हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी जंक्शन। एंड आज की जो वीडियो होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी बच्चे रियल नंबर्स चैप्टर करना चाहते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, तो यहाँ इस पूरी वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने वाले हैं। इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एंड क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड में भी एमसीक्यूज आएंगे, 10 एमसीक्यूज वहां पर होंगे, तो एग्जाम्पलर में जब ऑलरेडी आपको एमसीक्यूज गिवन है तो उनको सॉल्व करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पूरी एक्सरसाइज में आपसे 10 के 10 एमसीक्यूज मैं डिस्कस करूंगी, सो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सम इंटीजर m, एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। तो अब आप ऑप्शंस देखो, तो यहां पर जो ऑप्शंस हैं दैट आर m, m प्लस 1, 2m, 2m प्लस 1। तो सिंपली अगर आप देखो, आप वैल्यू पुट कर लो। अगर आप ले रहे हो, जैसे सपोज आप 1 ले लो, ठीक है। तो आप यहां पर वैल्यू पुट करके देख सकते हो। बट जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि इवन इंटीजर्स जो हैं हमारे पास 2, 4, 6, 10 एंड इस फॉर्म में आगे बढ़ते हैं, तो सिंपली अगर आप देखो तो वो 2 के फॉर्मेट में होते हैं, राइट। 2 इंटू एम करोगे आप, अगर आप किसी भी इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी इवन। तो यहां पर जो आंसर है दैट इज 2m। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फॉर सम इंटीजर q। तो अब हमारे पास एक इंटीजर है q, एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। तो अब उसने बोल दिया ऑड इंटीजर, तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ऊपर वाले में हमने लिया 2m यानी 2q क्योंकि वो इवन हो जाएगा, तो अगर हम इसमें 1 ऐड कर दें यानी कि 2q प्लस 1 कर दें तो वो क्या हो जाएगा, ऑड। सो इट्स सिंपल, आप ये ऑप्शन नहीं ले सकते, ये तो कोई भी इंटीजर हो सकता है। जैसे अगर मैंने यहाँ 4 ले लिया तो 4 प्लस 1 तो 5 हो जाएगा, राइट। एंड अगर आप 3 ले लो, लेट्स आप 2 ले लो, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से जो सिंपल आंसर है दैट वुड बी 2q प्लस 1। अगर आप 2 से किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई कर दोगे एंड उसमें 1 ऐड कर दोगे, जैसे 2 2s are 4 प्लस 1 5, तो वो हमेशा ऑड इंटीजर आएगा, राइट। तो ये हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये थर्ड क्वेश्चन है, n स्क्वेयर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज। तो यहाँ ऑप्शंस देखो, इंटीजर, नेचुरल नंबर, ऑड इंटीजर या इवन इंटीजर। तो अब आपको पता है वो इंटीजर भी होगा नेचुरल नंबर भी होगा, बट वो ऑड होगा या इवन होगा ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसमें आप क्या कर सकते हो, आप 2 केसेस लेकर देख सकते हो, एक इवन केस यानी 2k एंड एक ऑड केस यानी 2k प्लस 1। तो अब n में आप वैल्यू पुट करके देखोगे, ठीक है, तो हमारे पास ये 4k स्क्वेयर माइनस 1 आएगा इवन में, ठीक है। तो अब आप k की वैल्यूज डालकर देख सकते हो, 1, 2, 3, तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो डेफिनेटली डिविजिबल बाय 8 नहीं होगा। अब जब आप केस 2 में ऑड ले रहे हो 2k प्लस 1, उसकी वैल्यू डाल के देखोगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा एंड उसमें आप 1, 2, 3 k की वैल्यूज कुछ भी ऐसे डालोगे तो वो जो नंबर्स आएंगे, जैसे यहाँ 0, 4, 8 आएंगे, तो ये डिविजिबल बाय 8 होंगे। सो इस तरह से हमारा आंसर सी हो जाएगा, दैट इज एन ऑड इंटीजर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में आपको दिया है, इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 65m माइनस 117, देन द वैल्यू ऑफ m इज। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको एचसीएफ की वैल्यू गिवन है एंड आपको इन दोनों का जो एक्चुअल एचसीएफ है, जो आप डिवीजन एल्गोरिदम से निकालोगे, जैसे यहाँ पर 13 आया है तो इसको आपने इसके इक्वल कर देना है। दोनों ही एचसीएफ की वैल्यू है तो इक्वल कर दोगे, तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे, जैसे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास m की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये टोटली आपको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो सिंपल आपको एचसीएफ निकालना है, इसके इक्वल कर देनी एचसीएफ की वैल्यू एंड वहां से आपकी m की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने 3 मार्क्स के फॉर्म में भी किया है, बट यहाँ पर सिंस ये 1 मार्क के फॉर्म में आया है तो हम ये देखते हैं। लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली इज। तो इसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि जब ऐसा क्वेश्चन आए तो जो रिमाइंडर्स होंगे वो ऑलरेडी आपको सब्ट्रैक्ट कर देने होंगे। तो आप इनमें से 70 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 65 एंड 125 माइनस 8 करोगे तो 117। तो इसका जो आप एचसीएफ जब निकाल दोगे तो दैट वुड बी 13। तो ये 13 है लार्जेस्ट नंबर जो इनको डिवाइड करता है, लीविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली।
तो ये आपको सिंपली सॉल्व कर देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन. सो इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी आर रिटन एज ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस वे एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर्स. तो एक्स एंड वाई यहाँ पर प्राइम नंबर्स हैं, ये इनको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में ए एंड बी को लिखा है. तो अब हमें बताना है एच सी एफ ए एंड बी. तो इसका जो सिंपल एच सी एफ अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो वहां आपका लिखा हुआ है एच सी एफ जो है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स. एंड अगर यहाँ पर आपसे एलसीएम पूछे, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे, तो हम तब देखेंगे एच सी एफ में आपको स्मॉलेस्ट पावर जो है ईच कॉमन प्राइम फैक्टर की वो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पर एक्स की स्मॉलेस्ट पावर क्या है, x है a और b में से, यहाँ तो x cube एंड यहाँ सिंपल x है, तो स्मॉल कौन सी है, x है, तो हमने एक x ले लिया. यहाँ पर y square एंड y cube है, इसमें से छोटा क्या है, y square, तो हमने y square ले लिया. तो इसका HCF क्या है, एक्स वाई स्क्वेयर. तो इसी तरह से आप LCM का क्वेश्चन भी करोगे. LCM में आपको प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर करना होता है. तो यहाँ p आपको इस फॉर्म में दिया है, q इस फॉर्म में दिया है, इसमें से a की बड़ी वैल्यू कौन सी है, a क्यूब है, तो आपने a क्यूब लिख लिया. b की बड़ी वैल्यू कौन सी है, b स्क्वायर या b, b स्क्वायर, तो आपने वो लिख लिया. तो आंसर क्या आ गया, LCM क्या आ गया, दैट इज a क्यूब b स्क्वायर. तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब. एट देखिए, एट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इरैशनल नंबर इज. तो आप सिंपली करके देख सकते हो, कोई भी रैशनल नंबर लो, जैसे यहाँ पर इन्होंने 3/4 लिया, एंड कोई भी इरैशनल नंबर लो, रूट टू, मल्टीप्लाई करो, आंसर जो आएगा दैट विल बी ऑलवेज इरैशनल. तो ए ऑप्शन करेक्ट है. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर. सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ. द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव इज. लीस्ट नंबर पूछा है तो इसमें आप एलसीएम निकालोगे, राइट? तो आप सबसे पहले इन सबके फैक्टर्स लिख दो. प्राइम फैक्टर्स आपने लिख दिए, एंड इसमें से तो अब आपको पता ही, आपको ग्रेटेस्ट पावर लेनी है. 1 तो 1 रहेगा, 2 की जो भी ग्रेटेस्ट पावर है वो लोगे, 3 की, 4 की, एंड जैसे आपने 2 की यहाँ पर ग्रेटेस्ट पावर थी 2 क्यूब, तो वो आपने ले ली. 3 की थी स्क्वेयर, 5 सिंपल सिंगल था, 7 भी सिंगल उसकी पावर थी, तो 2520 दैट इज योर आंसर. ठीक है, सो ये काफी सिंपल क्वेश्चन था. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सैम्पल पेपर में आया था लास्ट ईयर. ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है, इस साल ये क्वेश्चन पेपर में भी हो सकता है. द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर दिस विल टर्मिनेट आफ्टर कितनी प्लेसेस में. तो इसमें आपको क्या करना होता है, इसके आपको 2 and 5 की फॉर्म में जस्ट प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं, एंड जो भी ग्रेटेस्ट पावर होती है वही आपका आंसर होती है. जैसे यहां पर आपने इस नंबर के 1250 को ब्रेक करके लिखा 2^1 into 5^4, तो ये आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं, आप यहीं से पता लगा सकते हो कि ये कितने प्लेसेस बाद टर्मिनेट होगा. इन दोनों में से बड़ी पावर किसकी है, 5 की, और कितनी बड़ी पावर है, 4, तो 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा, तो हमारा आंसर है डी. ऐसी कोई और नंबर आपको दे दें तो उसको आपने ब्रेक कर लेना है प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, एंड जो भी बड़ी पावर होगी वही आपका आंसर होगी. जैसे यहाँ पर है 4 डेसिमल प्लेसेस. तो ये हमने 10 के 10 क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर लिया, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आई है. एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट दैट लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. तो ये वीडियो हमने अंडर 10 मिनट्स में कंप्लीट कर लिए, सो यू हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम. एंड या आई सी यू इन ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय.